मध्य प्रदेश में अब व्यापम 2 सामने आया है। एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 3 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पेपर लीक की जांच के बाद यह फैसला लिया गया है। पीबी द्वारा आयोजित वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नर्सिंग परीक्षा को निरस्त किया जाता है। एक बार फिर व्यापम में पीईबी बने संस्थान में गड़बड़ी सामने आई है। इस व्यापम 2 में पीईबी द्वारा ली गई परीक्षा को लेकर शिकायत की गई थी कि कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में कई लोगों के एक जैसे नंबर आए थे। मामले में कांग्रेस नेता ने भी परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर जांच के आधार पर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रश्न पत्र के लीक होने की सूचना मिली थी, कुछ छात्रों ने इसको लेकर फर्जीवाड़े की शिकायत भी की थी, उसके बाद सभी की जांच की गई, जांच के आधार पर परीक्षा निरस्त की गई है। जांच में पाया गया है कि कंप्यूटर हैक कर पेपर लीक हुआ था। पीईबी द्वारा 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। एक वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जिसे SADO बोलते हैं, दूसरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिसे REEO बोलते हैं, और तीसरा हमारे यहाँ पर जो नर्सिंग की भर्ती का परीक्षा थी, ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। अब यहाँ प्रश्न उद्भूत होता है, क्यों? यहाँ ये मैं कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत आई है। जैसे आपने बोर्ड के कभी एग्जाम का लीक सुना होगा, मिडिल के सुना होगा, ऐसे एक प्रश्न पत्र लीक हुआ जिसका ना तो परीक्षा का परिणाम आया है, न कोई नौकरी पे लगा है, न किसी की भर्ती हुई है, न किसी ने लाभ लिया है। उसकी गहन जांच की गई, उसके आधार पर ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।